कश्मीर में एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कश्मीरी पंडित बाल कृष्ण को आतंकियों ने गोली मार दी। इस घटना की चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि 24 घंटे के भीतर पंजाब और बिहार के 4 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घाटी में रहने वाले हिंदू फिर एक बार सुरक्षा को लेकर चिंता जताने लगे, लेकिन सरकार का कहना कुछ और है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया है कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जाने के बाद हालात बदले हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर इस साल के मार्च तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 4 कश्मीरी पंडितों की जान ली, जबकि 10 अन्य हिंदुओं की हत्या भी की गई। इसके अलावा दूसरे राज्यों से कश्मीर में काम करने के लिए आने वाले हिंदू मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पिछले 5 सालों में 34 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। लेकिन गृह राज्य मंत्री ने घाटी में अगस्त 2019 के बाद आतंकी घटनाओं और घुसपैठ में कमी की बात भी की। उन्होंने घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार के कामों की रिपोर्ट भी सौंपी। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें एक सशक्त सुरक्षा और इन्फॉर्मेशन ग्रिड बनाया गया है, साथ ही स्टैटिक गार्ड के रूप में सामूहिक सुरक्षा क्षेत्र का दिन रात डोमिनेशन, नाकों पर 24 घंटे चेकिंग की व्यवस्था की गई है। जिन क्षेत्रों में हिंदू रहते हैं वहां पर 24 घंटे पुलिस गश्ती की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान भी तेज किया गया है, जिसके कारण आतंकी घटनाओं और सीमा पार से घुसपैठ में काफी कमी आई है। साल 2017 में जहां 136 बार सीमा पार से घुसपैठ हुई, वहीं साल 2020 में यह घटकर 51 हो गई और साल 2021 में तो घुसपैठ की घटना इससे भी कम रही और ये 34 हो गई। घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कई स्तर की तैनाती की गई। सीमा पर बाड़ लगाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार मुहैया कराया गया और खुफिया विभाग को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण घुसपैठ के साथ साथ आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। साल 2018 में जहां 417 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं 2019 में यह घटकर 255 हो गई और साल 2021 में 229 आतंकी घटनाएं हुई। यही नहीं, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत प्रदान की गई नौकरियों के कारण करीब 2105 प्रवासी कश्मीर घाटी में वापस भी लौटे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।